ग्वालियर से अंजना तोमर जी, स्वागत है आपका। हेलो। जी मैम। नमस्ते मैम, हकीम जी जी से नमस्कार, बात करनी कर लीजिए है। जी बात। जय हिंद, स्वागत है आपका। कि हमारा बहुत दिन से वैसे प्रॉब्लम थी कि हमारे बच्चे दानी में गठान थी, तो उसका उसका मैंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवा लिया तो आज 4 महीने ऑपरेशन को हो गए, 5वां महीना। फिर उसमें क्या, 15 दिन तक हम ठीक रहे, उसके बाद लीवर में, मेरे लीवर बहुत बढ़ गया और लीवर में सूजन और फैटी लीवर। तो हमें मतलब सांस लेने में और बुखार आने लगा, तो डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें बताया कि तुम्हारा बहुत लीवर बढ़ा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। काफी इलाज करवाया, झांसी तक में दिखाया, ग्वालियर दिखाया, और ठीक नहीं होता ना, तो लेटरिन जाते हैं ना, भूख लगती है बिल्कुल, और बस पेट खिसका रहता है और खाना ऐसा लगता है जैसे गले में रखा हुआ है। एज बिल्कुल कितनी है बिल्कुल आपकी किसी मैम? चीज की इच्छा नहीं करता। उम्र कितनी है? उम्र 48। ये ओवरीज का ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, और मैं अक्सर बताता हूँ कि जब हम कोई ऑपरेशन कराते हैं या बहुत दिन तक एंटीबायोटिक्स दवाएं खाते हैं, ऑपरेशन के बाद जो दवाएं दी जाती हैं उनको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर ये बहुत तेज़ किस्म की दी जाती हैं, जो उस रोग को तो ठीक करें या ना करें लेकिन लीवर को ख़राब करती हैं। तो उनके साथ दवाएं देनी चाहिए ऐसी जो लीवर और किडनी सुरक्षित रहे, लेकिन डॉक्टर ऐसा करते नहीं हैं। वो रोग ठीक हुआ तो इसमें फंस गए, और ये इतना खतरनाक रोग है कि ना आदमी खा सकता है, ना दिल चाहता है, दिल बतलाता रहता है, पेट खींचता रहता है, लीवर काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टरों का इलाज ले, पेट के डॉक्टर को से आपको इलाज लेना है। एलोपैथ में लीवर का कोई डॉक्टर नहीं होता, गैस्ट्रोलॉजिस्ट यानी पेट का डॉक्टर आपका इलाज करता है। पेट ठीक रखेगा तो आपका लीवर अच्छा हो सकता है। और यूनानी में इसके लिए नुस्खे भी हैं, धनिया, सौंफ, दो चीज़ें, धनिया और सौंफ 100-100 ग्राम खरीदें, इनका पाउडर बना के रख लें, चूर्ण बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून एक चुटकी या दो चुटकी एक गिलास पानी में मिलाएं, ये असली लेना, नमक जैतून नकली बहुत आता है। एक चुटकी या दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, मिक्स कर लें, आराम से मिक्स हो जाता है। ये नमकीन भी नहीं होता, नमक जैतून कहते हैं लेकिन ये नमकीन नहीं होता, इसकी पहचान है। नकली ना ले लें, असली लें। ये पानी से आप धनिया और सौंफ का पाउडर 1 चम्मच खाएं और 1 गिलास ही पानी पी लें दिन में 2 बार, और अपने डॉक्टरों का इलाज लेते रहें, खबरदार रहें। ये रोग कोई मामूली रोग नहीं है, लगातार 5 महीने इलाज करें तो आपको फ़ायदा होगा।